प्राइम न्यूज मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की पहली बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर क्राइम ब्रांच व थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पूरी जानकारी दी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चिनप्पा ने। थाना सदर के अंतर्गत 23/8 को शाम को एक गाड़ी को छीनी गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तो इसमें जो हमारे जो टीम है, जो SOG टीम है और थाने की टीम मिलके अच्छा सफलता मिली हुई है। इसमें कुल 8 अभियुक्तों का गिरफ्तारी किया गया है। इन्होंने पहले भी यहाँ थाना देहात में एक गाड़ी छीनी थी, वो भी मिला हुआ है। और इसके अलावा और 5 व्हीकल्स बरामद हुए हैं। इसका डिटेल हम पता करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग किए हैं। तो ये कुछ कटा हुआ मतलब पार्ट्स भी मिला हुआ है। और ये जो पूरा गिरोह को हम लोगों ने 8 लोगों का गिरोह गिरफ्तार किया गया है। और भी जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें हम लोग कार्रवाई की जा रहे हैं। और बाकी इनके आगे की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और टीम के जो टीम के लिए मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया है। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास? हाँ, पहले भी आपराधिक इतिहास है इनका। और अभी भी हमारा जो देहात में एक चीना था, वो भी गाड़ी बरामद हुए हैं। और एक नागल से रिलेटेड है गाड़ी, वो भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा अन्य 5 मोटरसाइकिल है, उनका हम पता करवा रहे हैं कि ये कहाँ से किया गया था। और ये काटते थे तो काटने वाले का भी साथ में गिरोह का पकड़ा गया है। और भी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। BSF में कार्यरत कर्मचारी आंचल पर लगाया तीतरों निवासी सचिन ने मारपीट का आरोप, पहुंचा SSP कार्यालय। मेरा नाम सचिन है सर, मैं कस्बा तीतरों मोहल्ला माजनान का रहने वाला हूं। मामला सर एक फौजी दबंगी किस्म का है सर, तीतरों से ही हो। और सर उसका नाम आंचल है। वो सर मेरे पे 2-3 बार हमला कर चुका है, जिससे कि मेरे सर पर चोट आई है। उसने मेरे सर में कंची मारी है, बोलता है कि पैसे दो पैसे दो, पैसे का मामला बता के मेरे को मारता है हर बार। धू धू कर जला तहसील परिसर में रखा ट्रांसफार्मर। फायर ब्रिगेड के न पहुंचने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। हकीकत नगर धरना स्थल पर संपूर्ण सम्मान शिक्षा व पूर्ण निशुल्क शिक्षा कानून की मांग को लेकर एजुकेशन फ्रीडम फोर्स सामाजिक संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। थाना ननोता के ग्राम टिकरोल निवासी सिद्धराज पुत्र वीर दमन ने गोली मारकर की आत्महत्या। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी पूरी जानकारी। आज शाम को 6:30 बजे करीब थाना नानोता क्षेत्र के टिकरोल गांव के अंदर सिद्धराज सनो वीर दमन व्यक्ति ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और इसके संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बसपा सांसद हाजी फजलुल रहमान के बेटे मोनिश रजा ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात कर रियासत पुत्र शकील का पोस्टमार्टम कराया तथा परिजनों को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। ये पूरी घटना कल रसूलपुर कला में हुई, जहां पर बादशाहपुर निवासी शकील की बिजली लाइन ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी। IMA भवन में कोरोना की जांच कर रही COVID-19 टेस्टिंग टीम के साथ जांच कराने पहुंचे बापूजी नगर निवासी व्यक्ति ने जांच कराने को लेकर टीम के साथ की गाली गलौच, मारने की भी दी धमकी। मौके पर पहुंचे CMO ने पुलिस को दी पूरी जानकारी। ग्राम विड़वी में नहीं रुक रही ट्यूबवेल मोटर चोरी, एक महीने में हुई चोरी की चौथी घटना। ग्राम प्रधान समेत ग्राम निवासी पहुंचे SP देहात। मैं सूरज प्रधान, गांव बिड़वी, थाना नकुड़, सहारनपुर। क्या मामला है? हमारे गांव में किसानों ने अपनी खेती के लिए जो खेत में विद्युत मोटर पंप लगा रखे हैं, लगातार एक साल से चोरों का इतना आतंक है कि लगभग 10 या 15 दिन के अंतराल में 3 या 4 मोटर चोर खोल ले जाते हैं। हम लोगों ने बहुत प्रबंध कर लिए, पहरा भी दे रहे, लेकिन लगातार चोरी कर रहे। जब भी चोरी होती है हम स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग एक साल में 25, 30, 40 मोटर के करीब खुल गई,
तीन मोटर आज खुली और तीन मोटर लगभग 13 अगस्त को खुली थी, तीन आज खुली। ऐसे ही 10-15 दिन के अंतराल में मोटर चोरी हो रही है। आज हम एसपी देहात महोदय से मिले, हमने उनको अपनी प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत अच्छी तरह से बात सुनी और हमें उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में इसमें कार्रवाई करेंगे और अपराधियों को कोशिश करेंगे पकड़ने की। ग्राम पी की निवासी छत्रपाल सिंह के परिवार को मिल रही जान से मार देने की धमकी, पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय। क्या है पूरा मामला जानिए। मेरा नाम छत्रपाल जी। क्या मामला है आपका? तो मामला यह है, जो मेरे लड़के हैं दो, छोटा बड़ा, बड़े नाम सुमिंदर है, छोटे का नाम मनीष है, वो भी जान से मारने को फिर गए। क्यों फिरते हैं? फिर से है जो पैसा उन पर है, ब्याह में 7 दिन मेरे लड़के ने, पिछले लड़के ने 2 लाख रुपये, 2 लाख उन्हें ना देने के मारो, तो उसे मेरे लड़के की पिछले जान के हाथ दे रहे अरे मेरे भी कन्नु कहा है किसी आदमी से आदमी, वो आदमी आता जरा से काम नहीं। और मैं इसी छत्रपाल की लाश करके जो उसका पिछला लड़का गंगोत्री बिहार में रहे सहारनपुर, उसका नाम लेंगे और उसे जेल भेज देंगे। जमीन जमीन का मसला है क्या आपको? कोई जमीन, आपके नाम जमीन वगैरह है क्या? जमीन मेरे नाम सारी। कितनी है? मेरे नाम 87 की जमीन है। इस वजह से आपको जान से मारने की धमकी देते हैं? हाँ जान से मारने। अच्छा अच्छा, जमीन ये भी रखी है मैंने, 17.5 बीघे, हाँ 17.5 बीघे जमीन दे रही, 17 बीघे तीनों दे रखी है मैं। तीनों गाँव का मामला है जी? पी की